दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है। अगर आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्पेशली अगर हम बात करें यूके ट्रिपल एस सी का जो जनरल पेपर होता है, वहां पर अगर आपको अपनी रैंक बूस्ट करनी है या अच्छी रैंक लेके आनी है तो आपको आज की यह वीडियो पूरी देखनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक पंत और मेरे साथ हैं अरुण गुप्ता सर, जो कि आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको अपनी रैंक बूस्ट करनी है तो आपको एक सब्जेक्ट बड़े ध्यान से समझना होगा और वो सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी का। तो आज हम अरुण गुप्ता सर से यहां पे जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो रैंक है वो बूस्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो अरुण सर, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो रीजनिंग है वो अगर हम यूके ट्रिपल एससी की बात करें या यूके पीएससी की बात करें तो ये कितने मार्क्स की आपकी आती है? जनरली सर, आप कोई भी यूके ट्रिपल एससी का पेपर उठा के देखते हैं या जो जितने भी पेपर होते हैं तो उसमें जो रीजनिंग का वेटेज है तो खैर बहुत कम, उसमें मैक्स से मैक्स 5 से 6 मार्क्स के आपकी रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन तो खैर ज्यादा नहीं है, 5 से 6 ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अरुण सर, जैसे 5-6 मार्क्स के है तो फिर पढ़नी क्यों जरूरी है रीजनिंग? नहीं सर, वो आप ठीक है, आप मानते हैं कि 5-6 मार्क्स का है, लेकिन सर ये ना जैसे नॉर्मली जैसे आप यूके ट्रिपल एससी एग्जाम देखो, लोग हिंदी में, इतिहास, भूगोल, इन चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। बट जैसा कि देखा जाए कि इन चीज़ों में जितना आप पढ़ो उतना कम है। और जैसे रीजनिंग की अगर बात की जाए तो ये सिलेक्टेड पोर्शन है, यानी अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। लेकिन कहते हैं ना सर, अगर आपको अगर एक रैंक लेके आना है या एक एक मार्क्स का वैल्यू होता है तो 5-6 मार्क्स, लेकिन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि सर हमारा स्टूडेंट का बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि सिलेबस देखे ना, इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं। मतलब अगर आप मान के चले कि उसमें लगभग 30-35 टॉपिक्स हैं केवल रीजनिंग के और आने केवल 5 ही क्वेश्चन हैं। हाँ, तो उसमें एक काम किया जा सकता है, जैसे आप नॉर्मली जब भी आप पेपर उठा के देखते हैं ना तो उसमें कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, यानी अगर मैं 5-6 मार्क्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें ऐसा नहीं कि आपको हर एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलना है, आप इतने सारे टॉपिक तो नहीं कर पाओगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि अगर इनको आप ना भी करो ना तो चल जाता है, बट अगर मैं कहूँ कि नहीं बिल्कुल ही छोड़ दो तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको बताता हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन है तो ये तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको करना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग है ये आता ही आता है। अब जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें काउंट करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं या कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें अगर आपका कमांड नहीं होगा तो आप मतलब या तो उस क्वेश्चन को छोड़े ही मत, और नहीं छोड़ोगे तो आपको पता है कि क्योंकि इतिहास भूगोल में ठीक है आपका अगर सही है तो अच्छी बात है, इनकेस अगर वहां से कुछ गड़बड़ होता है, एक आध मार्क्स का ऊपर नीचे होता है, तो समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना ज्यादा है, तो इससे इसको स्किप तो नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि टॉपिक बहुत ज्यादा है तो उसमें आप कुछ टॉपिक तो बना के रख सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के हम पैटर्न पता लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। और सर यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो ये भी कहते हैं सर ये तो ऐसे टॉपिक्स हैं ये तो बिना पढ़े भी हो जाते हैं, मतलब अगर वो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक हैं, ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर बात करें जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या यहाँ पे अगर जिनने ग्रेजुएशन में अगर हमने इंजीनियरिंग वगैरह किया या इस तरीके का टेक्निकल कोई कोर्स किया तो उनके लिए रीजनिंग थोड़ा सा कहते हैं आसान होती है, और वो ये चाहते हैं कि हम बिना पढ़े भी क्या इसको निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पंगा ये होता है, मैं आपको हल्का सा बताता हूँ इसके बारे में। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि ठीक है इसको बिना पढ़े आप कर सकते हैं, तो इसमें 2 प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपने रीजनिंग छुआ ही नहीं है, तो जब आप पेपर में जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर आपने नहीं छुआ है तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। अब अगर आपको वही क्वेश्चन कम टाइम में करना है, सेकंडों में करना है, तो यानी आपको पढ़ा होना चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो मिनटों में जाएगा। अगर आपको लगता है कि बाकी चीजें आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, यानी जो कि मैं नहीं मानता कि पॉसिबल है, तो उसमें आप रीजनिंग में टाइम देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और लेकिन जब पेपर हम देते हैं तो बहुत सारा प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के साथ आपको चीजें करनी होती है, गलती भी ना हो जाए, तो उस केस में तो आपको रीजनिंग का थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है ताकि आपके क्वेश्चन सेकंडों में हो। ओके, बहुत ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रैक्टिस की बात करें एग्जाम से पहले, जैसे अगर हम मान के चलें कि हमारे अभी जो एग्जाम्स हैं, चाहे पुलिस का हो, पटवारी का हो, या और जो भी आपके ग्रुप सी के फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हो, तो वहाँ पे कौन कौन सी बुक्स इनकी पढ़नी चाहिए? सर, सबसे जो मेन बुक मैं कहना चाहूंगा उसमें जो कहते हैं मतलब उसमें सारा पोर्शन आपको मिल जाता है वो है आर एस अग्रवाल, और अभी तक वो चलती आई है। अब ऐसा कहना है कि मतलब रीजनिंग के लिए आप इतनी मोटी बुक, जैसे आर एस अग्रवाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये काफी मोटी बुक है, तो हालांकि किसी को मैं अगर सजेस्ट करूंगा कहूंगा 5-6 मार्क्स का पढ़ना है, ऑब्वियसली वो मेरे को पागल ही बोलेगा कि इससे मैं क्यों करूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें ओवरऑल जितने टॉपिक्स आपको रीजनिंग के देखने को मिलते हैं सारे इसमें कवर आपको दिख जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन काफी बच्चे इसको अवॉइड करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रीजनिंग अगर आप मान लो अरिहंत का या फिर अरविंद की बुक उठाएं, जैसे मेरे भाई बुक और है, आप गाइस ये बुक देख सकते हैं, ये जब आप बुक आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये बुक दिखने में छोटी भी है और ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करती है, यानी आप अपने पेपर्स उठा के देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, तो इस बुक के अगर आप चीज़ें क्वेश्चन लगाते हैं तो एक तो आपको जनरल आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और फिर उसमें ना मेन आपका टाइम, आपको टाइम बचाना है, तो टाइम के साथ साथ किस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं या आप
क्वेश्चन देख के ही समझ पाएंगे। तो स्किप करना तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको स्किप करना चाहिए, और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी और बुक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यही पर्टिकुलर बुक लेनी है, आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना है वहां से काफी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो अगर मैं आपकी बात को समराइज करूँ तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आपको सबसे पहले तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको उठाने की कौन सा टॉपिक आया, फिर कोई भी एक बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए, तो हमने सर बात करी जो हमारे साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आर्ट साइड बैकग्राउंड के हैं, चाहे वो हम 11th 12th की बात करें, या अगर हम BA जो इस तरीके के जो आपके कोर्सेज होते हैं, जो नॉन टेक कोर्सेज होते हैं, जिन्हें मैथ्स और रीजनिंग बहुत पहले छोड़ दी है, वो लोग कैसे फिर इसकी तैयारी करें? सर हाँ, ये आपने बहुत सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जो मैथ्स में थोड़े से ठीक नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको लगेगा कि इतना टाइम इसमें क्यों दें। उनकी अप्रोच ये रहती है कि नहीं, हम जो हमारा आर्ट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं को हम लेकर के चलें और उनसे वो स्कोर कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँगा इस की मेरे से, मैंने आप स्टार्टिंग में ही बोला कि एक एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में शॉर्ट शॉर्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो अगर थोड़ा मेहनत आपको इसमें करना पड़ता है ना, तो हालांकि आपको थोड़ा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में कि कितने क्वेश्चन करें, क्या क्या करें, क्योंकि कभी कभार ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप एक बार बैठ गए तो उसमें घंटों भी निकल जाते हैं, ऐसा है, क्योंकि इसमें लॉजिक लगते हैं और जब आपको मजा आता है तो आप करते चले जाते हो। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आपको दिक्कत तो होगी ही होगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको स्किप ना करें, क्योंकि हर एक मार्क्स आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कुछ ऊपर नीचे होता है तो रीजनिंग आपको बहुत सपोर्ट करता है, थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन इसको आप छोड़े नहीं, तो ये मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा। ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए हफ्ते में अगर हम बात करें? मैं आपको अगर नॉर्मली बात करूं, अगर हफ्ते में, अगर आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इसमें अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए जिसको लगता है कि रीजनिंग बहुत सिंपल सी चीज है, कि हफ्ते में अगर एक दो बार भी करेंगे ढंग से हो जाएगा, बट जिनको लगता है कि नहीं रीजनिंग उनको, जैसे आपने कहा आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तो उनको लगता है रीजनिंग उनके लिए बहुत बड़ा हुआ है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी वो मौका निकाल पाएं तब वो रीजनिंग को करें। तो इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपको एक घंटा देना है, दो घंटा देना है, ये आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है। जब आप टॉपिक को करते हैं तो टॉपिक में उसके डीप में जाते हैं, तो टॉपिक में डीप में जितना जल्दी आप कर लें उतना आपके लिए अच्छा, हो सकता है वो एक घंटे में हो जाए, या हो सकता है कि उसी टॉपिक को समझना आपको 5 घंटे भी लग जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर होता है। ओके, तो अगर जितना आपको कम टाइम लग रहा है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं है वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, वो प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चन बने, तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टाइम दें उसमें, और अगर ज्यादा लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि डेली का 1 घंटा देना है या 2 घंटे देना है। अच्छा। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है और टॉपिक कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपने ये बताया। अब हम जब इसकी प्रैक्टिस जो करेंगे, जो टाइम मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं, अगर हम एग्जाम की बात करें तो कितना टाइम लगना चाहिए एक क्वेश्चन को करने में? मैं जल्दी बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि अगर सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वहाँ पे और आप उन सभी को कर पाते हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यहाँ पे 40-60 सेकेंड, यानी 1 मिनट भी नहीं लगना है। आप कितना भी क्वेश्चन पूछ ले, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं सर उसमें 10 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड के तो क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक वगैरह पता है तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपने जल्दी कर लिया। और कुछ क्वेश्चन कभी ऐसे भी होते हैं कि अगर आपको ट्रिक नहीं पता है लेकिन आपको पता है आप कर सकते हैं, तो फिर आपका ना थोड़ा सा वहाँ पे होता है कि नहीं ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूँ, तो वो आदमी टाइम नहीं देखता वहाँ पे, वो कहता है कि नहीं 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे मैं इसको करके रहूंगा, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस समय रीजनिंग देखा नहीं और आपको लगता है ये क्वेश्चन आया है तो आप कर छोड़ भी सकते, तो उस टाइम को बचाने के लिए तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और मैक्सिमम इसका 30-40 सेकंड आप लेके चलो, इतने में क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इतना है। अगर हम चलिए किसी, अगर एक जो स्टूडेंट है अगर वो शुरुआत करना चाहे रीजनिंग की पढ़ाई की अभी घर पे, तो वो कैसे शुरू करे? तो नॉर्मली उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले पेपर उठाने चाहिए प्रीवियस ईयर के, उसमें देखने चाहिए कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, क्योंकि क्या होगा हर बार वो पेपर उठाएगा तो कुछ टॉपिक डिफरेंट भी मिलेंगे, उनको नोट कर ले। अब नोट करके बाद उसको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक ज्यादा आए हुए हैं, तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा उसको। जैसे मैं बता रहा हूँ ब्लड रिलेशन है, स्टार्टिंग में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत दिक्कत आपको आने वाली है, क्योंकि इसमें होता है कि ना जैसे आप मान लीजिए कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो पहले आप खुद से कीजिए उसको, उसमें जब आपको डिफिकल्टीज मिलेंगी तब आप उनका शॉर्टकट ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत ब्लड रिलेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो स्टार्टिंग में आप खुद ही समझ पाओगे कौन किसका ताऊ चाचा, कुछ समझ में नहीं आता। तो जब आप देखोगे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कुछ पैटर्न देखोगे उसके, तब आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं इसको ऐसे करेंगे तो सारा डाटा एक एक ट्री डायग्राम में आ जाएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। तो उसको ना सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा है उसको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखने चाहिए, वहां से उसको टॉपिक मिलेंगे और टॉपिक के अकॉर्डिंग वो बेसिक से करें। अच्छा। ऐसा नहीं उसको तेजी से भागना है, जब वो बेसिक से करता रहेगा तो उसको खुद नहीं पता लगेगा कि वो कहाँ तक उसमें कर चुका है, और उसको एक आइडिया पूरा हो जाएगा कि हाँ पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं नोट्स से रिलेटेड, अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, तो हमको इसके नोट्स वगैरह भी बनाने चाहिए, अगर बनाने चाहिए तो किस तरीके से बनाने चाहिए?
नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आप बार बार भूल जा रहे हैं बट वो शॉर्ट टिक से आसान है तो उसके आप कुछ बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के कोई प्रॉपर नोट नहीं होते, हर क्वेश्चन अलग होता है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, रीजनिंग ऐसा है क्योंकि हर टॉपिक में वो डिफरेंट डिफरेंट बहुत ही टाइप के लॉजिक बन जाते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली मैथ्स का ही पार्ट है। और इसमें एक खास बात ये होती है ना कि कोई नया बंदा भी कभी कभार जिसको पता नहीं लॉजिक क्या है वो भी वहाँ पे उसको देख के क्वेश्चन कर सकता है। ओके ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल पढ़ रहे हो तभी आप कर पाओगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने नहीं पढ़ा है, आप कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसके प्रॉपर नोट्स तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग बनाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब वाकई आए हैं तो ऑब्वियसली अगर आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट है तो आपको आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके नोट्स बनाने नहीं बनाने। तो जनरली मैं नहीं कहना चाहूंगा कि आप उसके प्रॉपरली नोट्स बनाएं, क्योंकि चलते फिरते आप इसको कर सकते हैं। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर आपका। तो स्टूडेंट आपने आज योर वीडियो देखा, आपने जो क्वेश्चन हैं आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं रीजनिंग से रिलेटेड वो आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे, दूर हो गए होंगे जो डाउट्स हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर उसका रिप्लाई करेंगे, नहीं तो कुछ क्वेश्चन का बंच बना के एक फिर से दोबारा से अरुण सर के साथ इस तरीके का हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, मेहनत करते रहें, हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।